जयप्रकाश नारायण की जयंती से पहले गरमाई यूपी की सियासत। जयंती के मौके पर एक बार फिर कटने वाला है बवाल। योगी सरकार के एक फैसले से हुआ बवाल, काटा हंगामा। मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर सपाई गदर काटने को तैयार। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। इस मौके पर अखिलेश यादव का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने, उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाने, फूल चढ़ाने का कार्यक्रम था। वहीं इस कार्यक्रम से पहले अचानक से जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर गेट को टीन शेड से ढकने का काम शुरू हो गया, तो खबर मिलते ही अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंच गए। अखिलेश यादव के अचानक रात में करीब 11:15 बजे वहां पहुंचने की खबर पर मानव प्रशासनिक अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। बता दें कि अखिलेश यादव के इस रवैये के दौरान निर्माणाधीन कार्य लिखते एक मजदूर के साथ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव गेट पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखने की बात कह रहे हैं। वहीं पेंटर से कहते हैं कि बेचारा गरीब आदमी है, जाओ भाई जाओ। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये टीन शेड लगाकर सरकार कुछ तो छुपाना चाहती है, ये लोग किसी महान पुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल ये लोग जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने से रुकते हैं। ये तीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। तीन शेड आखिरकार क्यों, किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात का लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगे। खैर, वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर अखिलेश की तेवर की खूब चर्चा है, तो वहीं सपा कार्यकर्ता टीन शेड लगाने के वीडियो को शेयर कर योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि पिछले साल अखिलेश माल्यार्पण के लिए जेपीएनआईसी का गेट कूदकर अंदर गए थे। जेपीएनआईसी का निर्माण सपा सरकार ने 2013 में शुरू कराया था। 2017 में योगी सरकार आई तो निर्माण को लेकर जांच शुरू हो गई। इसके बाद से निर्माण अधूरा है, पब्लिक की एंट्री भी बंद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।